दोस्तों एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शामली जिले के गांव भाजू में आज बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया। सिसोली में जो मासिक पंचायत होती थी उसका आयोजन आज भाजू में ही किया गया, एक कट की मांग को लेकर। इसके अलावा भी इस महापंचायत में कई मुद्दे प्रमुखता से छाए रहे। हमारे साथ किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत मौजूद है। तो चौधरी साहब, इस महापंचायत में आज क्या बड़े फैसले हुए? देखो यहाँ पे एक तो कट का मामला है, यहाँ पे हाईवे है और ये यहाँ से लगा के मंसूरपुर तक ये पूरा रास्ता जाता है, बहुत गांव इस पे जुड़े हुए हैं। दूसरा और जगह के मामले, कहीं अंडरपास है, कहीं पानी की नालियां है, कहीं सर्विस रोड है, तो ये सारी समस्या है इसकी। इसके अलावा भी आज 20 तारीख की महापंचायत भी यहाँ प्रमुखता से छह रही, क्या तैयारी 20 तारीख की? दिल्ली में प्रोग्राम होगा, ट्रैक्टर से लोग नहीं जाएंगे, ट्रेन से लोग जाएंगे। एक दिन का प्रोग्राम होगा, रामलीला मैदान में प्रोग्राम है, यहाँ से ट्रेनों से जाए, ट्रेनों से ही लोग वापस आए। अच्छा, आज की इस महापंचायत में अधिकारियों के प्रति भी ये नाराजगी दिखी लोगों में? अधिकारी का रवैया थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि जो सरकार के लोग हैं वे ये चाह रहे हैं कि अधिकारी बीच में ना आए और अधिकारियों पर शिकंजा कस रखा। पहले भी अधिकारियों से ही वार्ता होकर काम धंधे होते थे, लेकिन अब पूरा क्या होगा कि अधिकारी पर शिकंजा कस रहे कि अधिकारी पंचायतों के बीच में ना जाए और कोई काम अधिकारी ना करे। इस तरह से अधिकारियों पर सरकार शिकंजा कस रही है। अच्छा, जिस तरीके से बुढ़ाना में पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने खुले मन से कहा 50 लोगों की महापंचायत होती है, अधिकारी बीच में जाके बैठ जाते हैं, उन्होंने कहा कहना भाई मंत्री है, वे कह दे इन्हें अधिकारियों को, कह दे मंत्री है, करते इतना काम। आज आपकी नाराजगी दिखी उस बयान के प्रति? हमारा तो अधिकारी से रवैया अपना ठीक करो भाई अधिकारी, और नहीं तो हमारा पंचायत करने का काम है, धरने का, हमको इलेक्शन थोड़ा लड़ रहे। और जिस दिन सरकारें ईमानदारी से काम करना शुरू करेगी हम भी नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन सरकार अगर पक्षपात काम करेगी तो हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। तो बीच में अधिकारी पिसेंगे, हमें क्या पता कौन पिसेगा।